गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 लेसन वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो व्हेन वी विल स्टार्ट द लेसन वी विल फाइंड आउट सम यू कैन से द इम्पोर्टेंट वर्ड्स देयर दैट कैन बी वेरी वेरी क्रिटिकल एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंडिंग। फाइन, इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन वी आर फाइंडिंग हियर दैट इज द डिस्कशन अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ अ गवर्नमेंट। दैट गवर्नमेंट हैज इशूड अ मेमोरेंडम देयर एंड व्हाट इज दिस, what they want to do, ऐसे कुछ करके चैप्टर स्टार्ट होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल गो फॉर द सम टर्म्स एंड कंडीशन, दैट इज द कोलिजन गवर्नमेंट। एज यू नो दैट द व्हेन टू और मोर देन टू पार्टीज दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा पार्टियाँ, एक से ज़्यादा पार्टियाँ आपस में मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, उसे कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज अ रिव्यू दैट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे कैन डायरेक्टली इंटरफेयर इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इफ दे आर फाइंडिंग समथिंग इज गोइंग रॉन्ग दैट इज नॉट वर्किंग एज यूजुअल एज द कॉन्स्टिट्यूशन वॉन्ट। अगर कुछ ऐसा होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल को पूरा हक है कि वो इंटरफेयर कर सकते हैं, चाहे वो रोकने के लिए हो, चाहे वो अमेंडमेंट कराने के लिए हो, चाहे क्वेश्चन पूछने के लिए हो। तो ये ऐसा उनके पास ये राइट है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, द पर्सन हु इज वर्किंग। ठीक है, जो आपके लिए काम करता है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो सकता है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो सकता है। ठीक है, चाहे वो नेता हो या आईएएस ऑफिसर हो। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम इज अ नोटिफिकेशन, आदेश। ठीक है, कि जैसे होता है सर्कुलर वही चीज है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एज यू नो फॉर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट, स्मॉल स्मॉल एंड बिग बिग। तो गवर्नमेंट अकेले सारा काम नहीं कर सकती, तो दे हैव शिफ्टेड देयर वर्क्स इनटू द सो मेनी पार्ट्स एंड सच काइंड ऑफ द ऑफिसेस, सच काइंड ऑफ द डिपार्टमेंट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ऐसे डिपार्टमेंट को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन, एज यू नो बींग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू आर हैविंग द कास्ट एससी एसटी ओबीसी ईबीसी और पता नहीं क्या क्या, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ द डिस्काउंट रिलैक्सेशन इन द जॉब फीस और एनी फील्ड दैट इज कॉल्ड द रिजर्वेशन एंड दैट इज मेड बाय द गवर्नमेंट, संसद द्वारा पास किया जाता है। फिर तीन क्वेश्चन पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तीन क्वेश्चन हमारे हैं। पहला, व्हाट द ऑर्डर इन द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में ऑर्डर क्या था, मेमोरेंडम में ऑर्डर था कि संसद ने एक बिल पास कर दिया है जहां पे 27% या 28% जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, एससी एसटी ओबीसी को 27% या 27 to 29% का कोई डाटा है तो वो छूट दी जाएगी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और किसी भी तरीके के गवर्नमेंट वर्क्स के अंदर, चाहे एजुकेशन फील्ड हो या कुछ भी हो, उसमें आपको दिया जाएगा। तो फर्स्ट में मेमोरेंडम में यही है जो शायद 90s में आया था। ठीक है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत इसलिए होती है कि इफ वी वांट टू डू समथिंग कोई तो होना चाहिए, तो दैट इज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। शिक्षा विभाग, फूड एंड कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, बैंकिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो हमारे को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चाहिए अपना काम कराने के लिए, हमारे को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चाहिए किसी भी वर्क को स्मूथली रन करने के लिए, हमारे को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इसलिए चाहिए कि पब्लिक जिसको रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं अपने काम के लिए वो यहाँ पे जाए और इनसे बात कर सके। हमारे को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चाहिए स्मूथली गवर्नमेंट रन करने के लिए, क्योंकि किसी भी दुनिया की सरकार के अंदर चाहे वो राजा महाराजा हो या डेमोक्रेसी हो, अकेले सरकार नहीं चला सकते, उन्होंने भी मंत्री संतरे बनाए होते हैं। तो इसी तरीके से हमने मंत्रियों के साथ साथ उनके डिपार्टमेंट को भी क्या कर दिया है, कैटेगराइज करके हमने उनको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का रूप दे दिया है। ठीक है, कंप्लेन करने के लिए चाहिए, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ इसका पता लगाने के लिए चाहिए, किस जगह पे क्या काम होगा कैसे होगा ये सब डिसाइड करते हैं और यहाँ पे आप लीडर भी भेजते हैं और प्लस परमानेंट एग्जीक्यूटिव। फिर आता है हाउ द वर्क डिले। बात बहुत अच्छी है, डिपार्टमेंट तरह तरह के हैं, बट सबसे बिग प्रॉब्लम आते हैं कि वर्क डिले हो जाते हैं। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द डेमोक्रेसी। Whenever anyone is going for the work, so they can't do directly. कई बार तो लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप अच्छा है, सीधे काम कर दो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है।
आज प्रधानमंत्री को भी कुछ करना है तो संसद से बिल पास कराना है, डिपार्टमेंट को भेजना है, डिपार्टमेंट उस पर साइन करेगा, वेरीफाइड होगा, उसके बाद फिर पब्लिक के पास जाता है, पब्लिक के पास भी राइट है कि उसके खिलाफ खड़े होकर आंदोलन कर सकती है, आवाज उठा सकती है। आपने देखा होगा एनआरसी और सीए पे, छोटा सा कोई गवर्नमेंट काम करती है, कोई दूसरी गवर्नमेंट, कोई दूसरा डिपार्टमेंट उसको रोक देता है, आपकी जुडिशरी रोक देती है, पब्लिक सड़कों पर आ जाती है, बिल को रोक दिया जाता है, तो तरह तरह की प्रॉब्लम होती है। इस वजह से डिले हो जाता है, फाइल एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मिलती रहती है, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में फाइलें घूमती रहती हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, काम डिले हो जाए, तो क्या डिले होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दैट इज समथिंग डिफरेंट मैटर, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट पॉइंट। फिर लास्ट टॉपिक आता है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनको आप वोट देकर चुनते हैं, एंड दे आर हैविंग एनी परमानेंट डिपार्टमेंट, लाइक द पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, नॉट परमानेंट, श्रम मंत्रालय है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, और उसके फिर नीचे नीचे जो उनके सबोर्डिनेट होते हैं वो आते हैं पॉलिटिकल में। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो नेता होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, और ये 5 ईयर्स के लिए होते हैं, 5 साल बाद ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, या फिर जो गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, अगर वो अपने आप को पीछे हटा लेती है, सरकार गिर जाती है, या फिर टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, फिर दूसरी 5 साल बाद दूसरे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनेंगे। परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं आपके आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, पीसीएस, जिसको गवर्नमेंट हटा नहीं सकती, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दे कैन ओनली शिफ्ट, पोस्टिंग कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, इलाका बदल सकते हैं। और क्या होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव में, मैंने बता दिया आपको, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस होते हैं जो अपने फ्री दिमाग से काम करते हैं, काम करना है इनको इनके अंडर ही, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंडर में ही परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं, बट दे कैन टेक सम डिसीजन बाय देयर ओन, ठीक है, और ये इनके अंडर प्रेशर काम नहीं करते हैं, इनके साथ मिलकर काम करते हैं, बट इनके अंडर प्रेशर काम नहीं करते हैं, अगर ये चाहे तो, बाकी तो दोनों मिले हुए होते हैं, आपको पता ही है, ठीक। अब बात आते हैं कि भैया ये सरकारी आदमी है, ये 5 साल के लिए आते हैं, तो इनके पास ज्यादा पावर क्यों है, ज्यादा पावर किसके पास होते हैं डेमोक्रेसी में, पब्लिक के पास, पब्लिक ने जिसको चुना वो नेता है, और नेताओं को पता होता है कि भाई हमारे लोकल एरियाज में क्या चाहिए, अगर यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर कहता है नहीं मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, तो लोकल आदमी को पता होता है ना चीजें कहाँ पे बनानी है, कहाँ पे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस जगह पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये लोग इनको सजेस्ट करते हैं, इसलिए ये लोग इनके अंडर में काम करते हैं, जो सजेशन देते हैं उसके हिसाब से अपना ब्रेन यूज करके काम करते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ें, देखें, कोई डाउट हो तो